जैन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो 75 दिन की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसका आज 26वां दिन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो। ये जो हमारा वाक्यांश है, इसके लिए एक सार्थक शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारा जो वाक्यांश है वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो, और वह व्यक्ति क्या कहलाता है? हमारा कवि कहलाता है। कौन कहलाता है? कवि। वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो, उसे हम कवि कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा मुहावरा का जो अर्थ है वो गलत है? हमारे जो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, इनमें जो अशुद्ध मुहावरा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर चार, लकीर का फकीर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें जो वाक्य दिया गया है, इसमें जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। वाक्य हमारा, आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या रिक्त स्थान की? यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उसके अंदर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर चार, भलाई। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की? अगला हमारा प्रश्न है, जल ही जीवन है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है हमारा जल। जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा पानी, ऑप्शन नंबर चार सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? हमारे जो चारों ऑप्शन हैं, उनमें ऑप्शन नंबर दो जाना, ये हमारा कारक चिन्ह नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जाना। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जो हम कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, मैं पेपर, ये सारे क्या है हमारे कारक चिन्ह है। तो द्वारा भी हमारा कारक चिन्ह है, के लिए भी हमारा कारक चिन्ह है, और पर भी हमारा कारक चिन्ह है। अगला हमारा प्रश्न है, भोजन बहुत सुंदर बना है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा सुंदर। तो रेखांकित शब्द हमारा सुंदर, उसके स्थान पर हमारा जो सही शब्द होगा वो होगा स्वादिष्ट, ऑप्शन नंबर दो। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? यहाँ पर जो चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम का नहीं है। यहाँ पर जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमारा जो निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर चार, आप कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी के जो तीन वाक्य दिए गए हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है? हमें यहाँ पर जो अर्जुन शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर देखना है। अर्जुन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है वह ऑप्शन नंबर दो, सव्यसाची, सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका कोई नाच न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा?
यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश दिया गया है, जिसका कोई नाथ न हो, उसके लिए सार्थक शब्द होगा हमारा अनाथ। कौन सा होगा? अनाथ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिए, जिनके अंदर आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए और आपकी तैयारी के लिए वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? जो ऊपर वाक्य दिया गया है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, यहाँ पर जो गुरु शब्द है उसका जो विलोम शब्द होगा वो हमें यहाँ पर प्रयुक्त करना है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा, तो गुरु का जो प्रयाव जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा लघु। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वाक्य हमारा, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। इस वाक्य में हमें अशुद्धि पहचाननी है। यहाँ पर हमारा जो अशुद्धि है वह है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, कुत्ते। कुत्ते के अंदर क्या होता है, आदत है और उसके बाद में ते आता है, तो इसके अंदर हमारा अशुद्ध भाव कौन सा है, ते शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, सुयस अमेरिका गया होगा। उपरोक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए उन्हें लिखिए। ये जो वाक्य हमें दिया गया है इसे हमें भूतकाल का बनाना है। वाक्य हमारा, सुयस अमेरिका गया, इसे हम जब भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य क्या होगा, सुयस अमेरिका गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुयस अमेरिका गया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश हमारा, गज के समान गति से चलने वाली। वाक्यांश हमारा, गज के समान गति से चलने वाली। इसका जो सही सार्थक शब्द होगा वो होगा गजगामिनी। क्या होगा? गजगामिनी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब देगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? वाक्य हमारा, आप अपनी कार को भी ले आना। इसमें हमें अशुद्धि शब्द पहचानना है। यहाँ पर जो अशुद्ध खंड है वो हमारा होगा कोभी। कौन सा होगा? कोभी। ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर क्या होगा, या तो को शब्द आएगा या फिर भी शब्द आएगा। या तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, आप अपनी कार को ले आना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आप अपनी कार भी ले आना, या को या भी के अंदर एक शब्द हमारा यहाँ पर आएगा, तो अशुद्ध शब्द खंड कौन सा हो जाएगा, को भी। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान भर पानी में डूब मरना। मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा दिया गया है इसमें जो रिक्त स्थान है वहां पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, चुल्लू। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यहाँ पर हमारा मुहावरा क्या होगा, पूर्ण होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 16 के अंदर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, निरर्थक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर 16 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है, प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 18 के अंदर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समाप्त। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अरे ओ मुक्त मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्ति होगी, परम मंगल में शिव तुझे प्राप्त होगा, उसी सच्चे प्रेम की साधना ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? रिक्त स्थान 4 के अंदर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आडम्बरों। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। बाह्य आडम्बरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है, नहीं प्यारे यह सब धर्म नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द में से कौन सा होगा? रिक्त स्थान 5 के अंदर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विराजमान। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है, उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है, उसके लिए तो धार्मिक सन्यासी तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान है। ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।